कहलाती है। ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया भर के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ, तो यहां मजदूर एक कम्युनिटी है, बात समझ आ रही है। फेमिनिज्म जब आया पूरी दुनिया में, तो फेमिनिज्म में कहा गया दुनिया भर की महिलाएं एक हो जाओ, तो यहां पर महिला एक कम्युनिटी है। या धार्मिक कम्युनिटी की बात नहीं हो रही, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहां पर कोई भी एक कम्युनिटी, छात्र कम्युनिटी, टीचर कम्युनिटी, व्यापारी कम्युनिटी, कृषक कम्युनिटी, तो किसी भी एक कम्युनिटी को उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके हितों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, उनकी डिमांड्स को आगे बढ़ाने के लिए उन कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करना ही कम्युनिस्ट कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, दूसरा है वेलफेयरिस्ट कम्युनिज्म, कल्याणकारी संप्रदायवाद। इसमें सबसे पहले हम अपनी कम्युनिटी के लोगों की पहचान करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, और फिर हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स खुद से चलाते हैं बिना सरकार की मदद से, ताकि हम अपनी कम्युनिटी के लोगों का वेलफेयर कर सके, उनका कल्याण कर सके, उनका अपलिफ्टमेंट कर सके, उनको एजुकेशन दे सके, उनको हेल्थ दे सके। ठीक है, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदाय अपने अपने धर्म के भीतर चैरिटी चैरिटेबल संस्थाएं स्थापित करते हैं, ट्रस्ट स्थापित करते हैं, स्कूल, मदरसा, कॉलेज, ये तमाम प्रकार की DNJ कॉलेज जैनों के लिए है। ठीक है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू, तो अपने अपने कम्युनिटी के लिए कुछ बेहतर करने की भावना यदि आपके अंदर है, तो इसको कहा जाता है वेलफेयरिस्ट कम्युनिज्म। ये भी अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। रिट्रीटिस्ट कम्युनिज्म, रिट्रीटिस्ट माने रिट्रीट का मतलब होता है वापस होना। ठीक है, तो रिट्रीटिस्ट कम्युनिज्म का मतलब होता है वापसी साम्यवाद, संप्रदायवाद, जिसका मतलब है कि देश की राजनीति से किसी एक धर्म या संप्रदाय का अलग रहना, पॉलिटिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, समाज की जो मुख्य धारा है उसमें अपने आप को नहीं जोड़ना, ना हमें आरक्षण चाहिए, ना हमें कोई राजनीतिक पद चाहिए, ना हमें अपने अपने हिसाब से हम अपने संप्रदाय का विकास करते रहेंगे। ठीक है, जैसे भारत में बाहरी संप्रदाय है, आपने सुना होगा बाहरी संप्रदाय का कोई नेता ना तो वो कहता हमें अल्पसंख्यक का दर्जा दो, बहुत अल्पसंख्या में भारत में है, लेकिन ना उन्होंने भारत से कभी रिजर्वेशन मांगा, ना कुछ किया, ना कुछ किया। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कम्युनिज्म होती है कि हम अपनी पहचान अपने हिसाब से बना करके रखेंगे, ना हमें किसी से लड़ना, ना हमें किसी से झगड़ना, हम अपना कल्याण, अपना वेलफेयर अपने हिसाब से करते रहेंगे। ठीक है, ये रिट्रीट कम्युनिज्म कहलाती है। ये तीन बड़े अच्छे कम्युनिज्म है, 1, 2, 3, ये पॉजिटिव कम्युनिज्म है, इससे किसी को नुकसान नहीं है, सबको फायदा ही फायदा है। जो चौथा है वो है रिटेलिएटरी कम्युनिज्म। रिटेलिएट मतलब होता है एक प्रकार की घृणा, एक प्रकार की मारकूट, हिंसा। ठीक है, तो हिंसा पर आधारित साम्यवाद, हेट एमंग डिफरेंट रिलीजन्स, इस प्रकार के संप्रदायवाद में एक धर्म दूसरे धर्म के साथ में हिंसा करता है, घृणा करता है, नफरत करता है, एक दूसरे को एक दूसरे से अलग माना जाता है और कोई एग्जिस्टेंस इनके बीच में नहीं होता, ऐसी बात इसमें मानी जाती है। पांचवा है सेपरेटिस्ट कम्युनिज्म। सेपरेटिस्ट कम्युनिज्म में यह माना जाता है कि मेरा धर्म, मेरा संप्रदाय, मेरी रीति रिवाज समाज के बाकी लोगों से अलग है, इसलिए मेरे लिए सरकार अलग से व्यवस्था करे, मेरे लिए स्पेशल राज्य बना दिया जाए, अलग से कोई राज्य बना दिया जाए, इस प्रकार की जब मांग होती है। जैसे भारत में गुरखा लोगों का कहना है कि वी आर सेपरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, हम बाकी भारत के लोगों से अलग है, हमारी धर्म संस्कृति कद काठी सब कुछ अलग है, इसलिए हमें गुरखा लैंड बना करके एक अलग राज्य दे दिया जाए, वहां हमारा CM होगा, वहां हमारे प्रशासक होंगे, हम अपने हिसाब से साधन प्रशासन, लेकिन भारत से अलग होने की बात नहीं करते। ठीक है, तो ये सेपरेटिस्ट कम्युनिज्म है। ठीक, चूंकि इनकी संस्कृति कुछ डिफरेंट होती है, इसलिए इस प्रकार की मांग करते हैं। अगला है सक्सेशनिस्ट कम्युनिज्म, प्रथकवादी। ठीक है, प्रथकवादी संप्रदायवाद, इसमें अपनी धर्म जाति संस्कृति के आधार पर एक दूसरे देश इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग की जाती है। उदाहरण खालिस्तान, सिख लोग कह रहे हैं हमें खालिस्तान दे दो, आजाद कश्मीर, कश्मीर के कुछ लोग कह रहे हैं हमें आजाद कश्मीर दे दो। ठीक है, तो इस प्रकार के तो जो अलग इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग करें वो है सक्सेशनिस्ट, और जो देश के भीतर ही अलग राज्य की अलग प्रकार के कोई ऑटोनोमस बना दिया जाए व्यवस्था उनके लिए, उनको सेपरेटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इनमें से 1, 2, 3 पॉजिटिव है और 4, 5, 6 नेगेटिव है। तो यहां तक हमने डायमेंशंस ऑफ कम्युनिज्म, उसके कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म चार बड़े प्रकार से पाए जाते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर। इसका मतलब क्या है, जब पॉलिटिकल क्षेत्र में जब पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिलाकर के पॉलिटिकल गेन के लिए रिलीजन का उपयोग किया जाए तो वो पॉलिटिकल कम्युनिज्म हो गया। समाज में लड़ाई झगड़ा एक को दूसरे से नीचा दिखाने के लिए जब प्रयास किया जाए, एक धर्म बेहतर है दूसरा धर्म बेकार है, ये तमाम कोशिश समाज में किया जाए, समाज को बांटने की कोशिश किया जाए धर्म के आधार पर, तो ये सोशल कम्युनिज्म हो गया।
ठीक है। इकोनॉमिक कम्युनिज्म क्या है? किसी एक धर्म जाति के लोग को ही रोजगार देना, उनको ही नौकरी में प्रोत्साहन करना, ये तमाम प्रकार की काम यदि किया जाए तो वो इकोनॉमिक कम्युनिज्म हो गया, ठीक है। कल्चरल, किसी खास संस्कृति भाषा के लोगों को ही समाज में रुतबा दिया जाए, नौकरी दिया जाए, उनकी विशेष पहचान हो, उनको प्रिविलेजेस दिया जाए, तो ये कल्चरल कम्युनिज्म कहलाता है, ठीक है। अब कुछ और टॉपिक हम पढ़ते हैं, जगह बचाना, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेट हम लोग देखते हैं, ठीक है। सीधे के सीधे ये क्वेट उठ करके यूपीएससी में आ जाते हैं, जिनमें से जो शुरू के तीन क्वेट है मैंने यूपीएससी के पेपर से ही लिया है। पहला है, द पास्ट इज अ परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड वैल्यू। जो हमारा अतीत, ये अतीत ही हमारे मानव का परमानेंट डायमेंशन है, हमारी चेतना का और हमारे मूल्य का, यानी कुल मिलाकर के मनुष्य के जो वर्तमान में जो भी वैल्यूज है, जो भी नियम कानून व्यवस्था है और जो भी मनुष्य की चेतना है, ज्ञान है, वो पास्ट पर आधारित होती है, ये स्टेटमेंट ये कहता है, ठीक। अब अगर हमने अपने पास्ट को सही ढंग से जाना है, सही ढंग से समझा है, तो हम पॉजिटिव लाइन में जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम डिस्टॉर्टेड तरीके से अपने पास्ट को समझे हैं, फॉल्स इंटरप्रिटेशन से ग्रसित हैं हम अपने पास्ट की, तो यहीं से संप्रदायवाद जैसी चीजों का उदय होता है। तो जरूरी यह है कि हम अपने पास्ट से प्रभावित तो हों, और पास्ट, हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट पर असर डालता है, हमारे वर्तमान वैल्यूज और हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो पास्ट की ही देन है। लेकिन हमारा पास्ट, जिस पास्ट को हमने जाना, हमको समझा, वो पास्ट को हमको निगेटिव हमने लिया उस पास्ट को, या पॉजिटिव लिया। यदि पॉजिटिव लिया तो हम जीवन में पास्ट से इंस्पिरेशन लेकर के जीवन में आगे बढ़ेंगे, निगेटिवली समझा तो संप्रदायवाद, जातिवाद, छुआछूत, तमाम प्रकार की गलत चीजें हमारे अंदर घर कर जाएंगी। संप्रदायवाद पास्ट की इसी कॉन्सियसनेस का एक रिजल्ट है, जिसमें हमको पास्ट का डिस्टॉर्टेड और फॉल्स इंटरप्रिटेशन करके बताया गया है। दूसरी बात, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। दूसरा, अ पीपल दैट वैल्यूज द प्रिविलेजेस अबव इट्स प्रिंसिपल लूजेस बोथ। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विशेषाधिकार को अपने सिद्धांतों से बढ़कर के मानता है, जीवन में ना उसके सिद्धांत रह जाते, ना उसका विशेषाधिकार रह जाता, ऐसा व्यक्ति सब कुछ खो देता है। क्या मतलब है इसका? संप्रदायवाद एक प्रकार का क्या है, एक धर्म अपने आप को प्रिविलेज्ड मानता है दूसरे बाकी धर्म से। उस धर्म के वास्तविक सिद्धांत क्या है? यदि मैं बात करूं हिंदुइज्म जैसे, तो हिंदुइज्म के प्रिंसिपल्स क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम हिंदुइज्म के आधार पर समाज में प्रिविलेज चाहते हैं। अगर हमने ऐसा किया कि हमने अपने प्रिविलेज को अपने प्रिंसिपल से ऊपर रखा, तो समझ लीजिए कि मेरा प्रिंसिपल तो जाएगा जाएगा, मेरा प्रिविलेज भी चला जाएगा, अर्थात व्यक्ति के पास तो कुछ नहीं बचता। तो हिंदुइज्म को पहले मुझे समझना पड़ेगा कि हिंदुइज्म का प्रिंसिपल क्या है। जब उस प्रिंसिपल को समझूंगा, उसके बाद मैं प्रिविलेज की डिमांड करूं तो ठीक है। तो हिंदुइज्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हिंदुइज्म तो कहता है सर्वधर्म समभाव। तो बिना इसको समझे हम दावा करें कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, केवल हिंदू के लिए ही ये देश है, तो प्रिविलेज की बात तो हम कर रहे हैं लेकिन प्रिंसिपल को नहीं समझते, ये खतरा है, ठीक है। अगली बात, कम्युनिज्म अराइजेस ईदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन। यूपीएससी का ये भी स्टेटमेंट है, सीधे सीधे आपको कमेंट करना था इसमें, ठीक है। तो संप्रदायवाद की उत्पत्ति या तो शक्ति संघर्ष के कारण होती है, या जब समाज में कोई खास तबका डिप्राइव हो, वंचित हो। बिल्कुल सही बात है, संप्रदायवाद की उत्पत्ति के कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। तो संप्रदायवाद की उत्पत्ति के दो कारण है, बिल्कुल सही बात है, या तो पावर स्ट्रगल। भारत में संप्रदायवाद की उत्पत्ति और भारत का विभाजन क्यों हुआ? मुस्लिम लीग चाहती सत्ता हमको मिले, कांग्रेस चाहती सत्ता हमको मिले, सत्ता का संघर्ष चल रहा था। इस सत्ता के संघर्ष के कारण ही भारत में संप्रदायवाद आया। मुस्लिम लीग ने हिंसा का सहारा लिया, धर्म का सहारा लिया, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे का विरोधी बताया, ठीक है। अंग्रेजों ने भी सत्ता अपनी बनाए रखने के लिए मुसलमानों को उपयोग किया, मुस्लिम लीग का उपयोग किया, हिंदुओं से लड़ाते रहे। तो शक्ति संघर्ष के कारण ही तो संप्रदायवाद की उत्पत्ति हुई। एक दूसरा कारण है, संप्रदायवाद की उत्पत्ति का एक दूसरा कारण यह है, यदि एक कोई कंट्री है भारत जैसा, और वो मल्टीकल्चरल मल्टी रिलीजियस कंट्री है, लेकिन उसमें किसी खास धर्म जाति संप्रदाय का व्यक्ति वंचित रह जाए, और किसी दूसरी धर्म जाति का व्यक्ति, मान लीजिए भारत में हिंदू ही प्रगति करते जाए, मुसलमान पिछड़ते जाए, तो धीरे धीरे मुसलमानों के मन में ये बात घर कर जाएगी कि यहाँ की सरकार है, यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ का समाज है,
वो किसी एक खास धर्म का पक्ष लेती है, इसलिए हमारी स्थिति बिगड़ी हुई है और उनके मन में फिर धार्मिक अलगाववाद की भावना आएगी और संप्रदायवाद बन जाएगा। तो आपको ये सारे इतिहास से उदाहरण देते हुए इस स्टेटमेंट को लिख देना है कि हाँ ये बात सही है। चौथी बात, ये एक स्टेटमेंट है, ऊपर के तीनों क्वेश्चन ऐसे थे किसी ने यूपीएससी में उठाया है, ठीक है। अगली बात है, यू डोंट नीड रिलीजन टू हैव मोरल्स। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि आपको नैतिकता के कारण या नैतिकता के लिए धर्म की जरूरत नहीं है। धर्म और नैतिकता अलग अलग चीजें। आप यह कहें कि मैं धार्मिक हूं इससे मैं नैतिक हो जाऊंगा, ये गलत बात। नैतिकता दुनिया के सभी धर्मों से ऊपर है, ठीक है। तो आप धर्म का पालन केवल ये करते हैं कि मुझे नैतिक होना है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये मान्यता ही गलत है। इफ यू डोंट डिटरमाइन राइट और रॉन्ग, नैतिकता का मतलब क्या है, राइट और रॉन्ग की पहचान होना, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, जो रॉन्ग है मैं उसको नहीं करूंगा, जो राइट है मैं उसको करूंगा, अगर ये फीलिंग हमारे अंदर है तो ये नैतिक है, ये धर्म नहीं है, ये नैतिकता है। लेकिन जब आप धर्म को ही नैतिकता मानने लगते हैं बिना ये सोचे समझे कि सही क्या है गलत क्या है, जो धर्म कह रहा है वही सही वही गलत, ऐसा नहीं है। धर्म और नैतिकता दो अलग अलग चीज है। धर्म के नजरिए से कोई चीज जैसे बलि देना, बलि देना नैतिकता की दृष्टि से बिल्कुल गलत है, लेकिन धर्म की दृष्टि से सही हो सकता है, ठीक है। तो धर्म और नैतिकता एक ही है ये मान लेना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, इस बात को इनकार किया जाना चाहिए, ठीक है। If you don't determine right or wrong, यदि आपको right or wrong की पहचान ही नहीं है, then you lack empathy, not reason. तो आपको सहानुभूति की जरूरत है, धर्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको धर्म नैतिक नहीं बनाता, नैतिकता आपको धार्मिक बनाता है, ठीक है। अगली बात, I will rather love to assassinate the name of God. मैं ईश्वर नाम की वो जो सत्ता है उसी की हत्या कर देना चाहूंगा। कब? Whom? Helpless people plead for help. यदि कहीं ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है, उसकी हजारों लाखों बेसहारा जो जनता है वो हेल्प के लिए क्यों गुजारिश करती है, क्यों उसको पग पग में सहायता और मदद की जरूरत है। नथिंग कैन बी मोर इविल देन रिलीजन, धर्म से बढ़कर के बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। वेन एन इंडिविजुअल अप्रोचेस टुवर्ड्स कम्युनिज्म, जब एक व्यक्ति संप्रदायवाद का सहारा लेता है, धर्म का सहारा लेता है, धर्म के नाम पर एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करता है, जबकि दुनिया में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो बेसहारा हैं, हेल्पलेस हैं, और उनको हम ईश्वर के नाम पर बरगलाएं, ऐसे ईश्वर को, ऐसी व्यवस्था को मैं समाप्त करना पसंद करूंगा। ऐसा एक शहीद रफी जो कि एक यंग एक्टिविस्ट है, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि संप्रदायवाद एक गलत चीज है, खासकर नेगेटिव संप्रदायवाद है, और भारत में और साउथ एशिया में यही संप्रदायवाद फैला हुआ है। इस संप्रदायवाद से हम सबको बचना है, अपनी बुद्धि अपनी विवेक का उपयोग करना है। कुछ महत्वपूर्ण इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं, सायर्स हुए हैं, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे किसी एक सायर ने कहा है कि मुझे खुदा के इंसाफ पर उस दिन यकीन हो गया जिस दिन मैंने अमीर और गरीब का कफन एक जैसा देखा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के मरने के बाद सब इंसान का हश्र एक जैसा होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो। तो धर्म के आधार पर जीवन भर हम लड़ते रहे, ऐसा कोई धर्म है नहीं जो अमर बना देता हो, या जिसकी मृत्यु कुछ अलग तरीके से होती हो, या जिसका जो अंत है वो किसी और तरीके का होता हो, ठीक है। कि कोई धरती पर ना मर के आसमान पर मरता हो, तो ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं, ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार जो संप्रदायवाद का जहर पूरी दुनिया में घुल रहा है, खासकर साउथ एशिया में, उसको ध्यान में रखते हुए एक हफीज जालंधरी एक शायर हुए हैं, जिन्होंने एक शेर लिखी है कि जिसने इस दौर के इंसान किए हैं पैदा वही मेरा खुदा भी हो मुझे मंजूर नहीं। यानी इस दौर का ऐसा इंसान जो धर्म जाति के नाम पर नफरत फैला रहा है, अगर ऐसे इंसान को खुदा ने बनाया है तो ऐसा खुदा मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि खुदा तो बड़ा पवित्र है, बड़ा नेक है, ठीक है। उसी प्रकार एक सुदर्शन फकीर नामक शायर है जो कहते हैं कि संप्रदायवाद जैसी जहर इसलिए फैलती है कि सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं और जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं, और चंद मासूम से पत्तों का लहू है फाकिर जिसको महबूब के हाथों में हिना कहते हैं, ठीक है। हिना मेहंदी क्या है, कुछ पत्तियों का को निचोड़ा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, उससे जो रस निकलता है उसे हाथों में लगा दिया जाता है और कहते हैं ये मेहंदी है। उसी प्रकार संप्रदायवाद क्या है, धर्म के नाम पर लोगों का खून बहाया जाता है और कह दिया जाता है यही हमारा धर्म है, यही हमारा इतिहास है। ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है, समझनी है, और बहुत सावधान बुद्धिमान तरीके से हमें चीजों को समझना है, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत में संप्रदायवाद
की जो उत्पत्ति है और उसका विकास है वो कैसे हुआ, अभी तक हमने संप्रदायवाद क्या है, ठीक है, ये हमारा मेंस का टॉपिक है, सामाजिक मुद्दे सोशल इशू में, ठीक है, तो इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान सब जगह उपयोग में आएगा, ठीक है, धन्यवाद।